हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस का सब्जेक्ट लेंगे, उसका चैप्टर वन। क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर वन, क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर वन लेंगे हम आज, अकॉर्डिंग टू द सी बी एस ई सिलेबस। ठीक है, इसके लिए हमने आपकी जो एन सी आर टी की टेक्स्ट बुक है वही रेफर की है। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर वन है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास नाइन्थ की साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर? आपके आसपास सराउंडिंग्स में, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं उसमें मैटर क्या होता है? इनफैक्ट मैटर आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सब मैटर। जैसे अभी मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, पेन रखा हुआ है, ओके, एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, कुछ बुक्स हैं, ओके, तो इसी तरह से आसपास रखी हुई हर चीज़ को आप देखिए, अपने आसपास रखी हुई हर चीज़ को। अगर आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास भी सामने एक कंप्यूटर होगा ही होगा जिसपे आप, या लैपटॉप होगा जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, एक नोटबुक आपने रखी होगी नोट्स लिखने के लिए, ये तो टेबल होगा, ठीक है, चेयर होगा, आसपास पानी पड़ा होगा, पानी का गिलास पड़ा होगा, कुछ स्नैक्स पड़े हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ जो आपके आसपास है वो मैटर है, और हर चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, हर चीज़ की अलग शेप होती है। कंप्यूटर की अलग शेप है, कंप्यूटर बहुत बड़ा है, पेन छोटा सा होता है, ग्लास शीशे का बना होता है, ठीक है, किताबें जो हैं वो पेपर से बनी होती है, तो हर चीज़ अलग मटेरियल से बनी होती है, अलग साइज़ की होती है, अलग शेप की होती है, अलग टेक्सचर की होती है हर चीज़। तो वो जिस भी मटेरियल से बनी होती है वो मटेरियल, उसको मैटर कहते हैं, और जो भी वो चीज़ बनी होती है वो भी मैटर है। मैटर एक्चुअली आपके आसपास की हर चीज़ जो है उसको मैटर कहते हैं, वो चाहे फिर लिविंग हो वो चीज़ या नॉन लिविंग हो। ठीक है, आपके आसपास की हर चीज़ चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है वो मैटर है। अब अगर आप लिविंग में देख लो, लिविंग में ह्यूमन बीइंग्स हम खुद, पहली बात हम खुद जो हैं वो मैटर है, ठीक है। एनिमल्स, कोई पेट्स आपने रखे होंगे आसपास, कोई बर्ड्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स होंगे, ठीक है, ये सब मैटर है, सब कुछ मैटर है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, कुछ आपके आसपास चीज़ें पड़ी हैं, टेबल है, पेन है, चेयर है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर है। इनफैक्ट जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, वो हवा, पानी, ठीक है, खाना, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ जो है मैटर है। फिर आप ये देख लो, स्टार्स हैं जैसे यूनिवर्स में, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं, स्टोन्स हैं, ठीक है, हर चीज़ आसपास, आप कोई भी चीज़ आप देख लो जो आपको नज़र आ रही है, जिसको आप छू पा रहे हो, हर चीज़ जो विजिबल है या फिर एयर आपको विजिबल नहीं है मगर वो भी मैटर है, वो आपके आसपास तो है, आप उसको फील कर पा रहे हो हवा को, ठीक है। हर चीज़, इवन एक छोटा सा रेत का तिनका जो होता है, एक सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल जो है वो भी मैटर है। हर चीज़ आपके आसपास जो है वो मैटर है। अब हमारे आसपास चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, चाहे जीवित कोई वस्तु हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो जिसको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें एक कॉमन बात है, वो क्या है कि ये चीज़ें चाहे पेन टेबल हो चाहे ह्यूमन बींग हो एनिमल्स हो, ठीक है, इनका कुछ पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है, इनका कुछ बार होता है। अगर आप इनको वेट मशीन पे देखेंगे इनका कुछ मास होगा, ठीक है, और साथ ही साथ ये अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है,
जैसे अब आप एक बैलून ले लोगे, बैलून में आप हवा भर दोगे तो वो बैलून की शेप चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा उसके अंदर भर दी गई है, तो हवा ने अपनी जो स्पेस है उसके अंदर ऑक्यूपाई कर ली है, तो वो बैलून के अंदर जो हवा है वो भर गई, ठीक है, इसलिए उसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली हवा ने, तो वो बैलून फूल जाएगा। इसी तरह से पानी अगर आप ग्लास में भरोगे, ठीक है, पहले ग्लास खाली है फिर उसमें आप पानी भर दो, तो वो अपनी जगह ले लेगा उसमें। अब आप बैठे हो, अगर आप किसी जगह पर बैठे हो, वहाँ अकेले आप बैठ सकते हो, आपके साथ कोई बैठ सकता है, लेकिन जहाँ आप बैठे हो उस पर्टिकुलर उधर उसी जगह पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपने अपनी जगह कवर कर ली है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं इनका कुछ पर्टिकुलर मास होता है, और ये कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करती हैं अपने साइज और अपने शेप के हिसाब से। दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो अपने हिसाब से जगह घेर लेती हैं, ठीक है। ऐसी जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं जिनका मास है कुछ, जो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेती हैं, वो मैटर है। हर चीज़ आपके आसपास जो है वो मैटर है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करती हैं, तो इसलिए वो मैटर है। अब क्योंकि वो जगह ऑक्यूपाई करती हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता होगा। वॉल्यूम बेसिकली 3 डायमेंशंस से बनता है, लेंथ होता है उसमें, ब्रेड्थ होता है उसमें, हाइट होता है, ठीक है। अलग अलग शेप्स का वॉल्यूम अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, सिलेंड्रिकल का अलग से निकाला जाएगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का अलग से निकाला जाएगा, बट इन जनरल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम उसी चीज़ का निकाला जाता है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कुछ लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो और कुछ वो जगह ऑक्यूपाई कर रही हो, कुछ ऐसा हो, तो उसका हम वो वॉल्यूम निकालते हैं कहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो मतलब उसका वॉल्यूम है। मतलब मेटल जो है, मेटल की क्या खासियत है, मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर, लेट्स डिफाइन मैटर नाउ। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। Anything that has mass and occupies space, या फिर anything that has mass and volume is matter, ठीक है। For example, आपको हो गया air या water, ठीक है, या फिर जो food आप खाना खाते हैं, इस तरह की हर चीज़ आपके आसपास जो है, आप कोई भी चीज़ उठा के बोलो, सब matter, ठीक है। अब आपके हर आसपास की चीज़ को हमने डिफाइन कर लिया कि भाई हर आसपास की चीज़ जो है वो मैटर है। अब जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जो पहले जब जो साइंटिस्ट्स होते थे, जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को स्टडी करने की कोशिश करते थे, पहले ज़माने के जो साइंटिस्ट थे, तो तब वो कहते थे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो पंच तत्वों से बनी हैं, ठीक है। तब ये मान्यता थी कि जो सारी चीज़ें हैं वो पंच तत्वों से बनी, और पंच तत्वों में क्या आता था, एयर आता था, अर्थ आता था, और फायर आता है उसमें, ठीक है, और स्काई, ठीक है, स्काई एंड वाटर। ऐसा बोला जाता था कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी है। किसी में ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, जैसे प्लांट्स के लिए कहा जाता है कि वो 2 तत्वों से बने होते हैं, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली ये 5 तत्व जो है, इनसे बोला जाता था कि मैटर बना है, जो सराउंडिंग्स है हमारे आसपास, उनमें जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी होती हैं। ऐसा पहले के साइंटिस्ट्स जो थे, जो फिलोसफर्स थे, वो बोलते थे। मगर आजकल की जो मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग मैटर जो है वो बोला गया आपके आसपास की हर चीज़ जिसको हम मैटर कह रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि मैटर जो है उसकी 2 तरह की क्लासिफिकेशंस की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़, 2 तरह से हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर की कुछ टाइप्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसकी कुछ टाइप्स हैं मैटर की। मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, आजकल के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे बेसिकली
इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर जो आगे कुछ हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें होगा। यहाँ पे हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करेंगे कि मैटर क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर है कि हमारा जो भी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं या जिनका मास है वो मैटर है। ठीक है, मैटर पहले के लोग बोलते थे 5 तत्वों से बना होता है। ठीक है, आजकल ये है कि मैटर की 2 बेसिक क्लासिफिकेशंस की गई हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी मैटर है या जो भी मैटर की टाइप्स हैं, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हर चीज़ कुछ पार्टिकल्स से बनी है। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मान लो पेन है पड़ा पास में या पानी है, तो पानी जो है वो कुछ पार्टिकल्स से बना है। पानी के पार्टिकल्स ही सारे जुड़ जुड़ के वो पानी बना है। ठीक है, इसी तरह से वुड है तो वो उसी तरह से वुड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो वो बन के वुड बना है, ऐसा बोला जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है कि जो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर। एक कोई भी एक चीज़ जो है, जो मैटर है, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और मैटर के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर इन मैटर। हम एक बार सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं, उसके बाद एक एक करके हम उसको समझेंगे क्या है एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की। एक तो कहा जाता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो है दीज आर इन मिलियंस, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें इनमें काफ़ी स्पेस है पार्टिकल्स में। ठीक है, दिस पार्टिकल्स हैव पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। And these particles are continuously moving. ये particles continuously move कर रहे हैं। ठीक है, these particles attract each other, particles attract each other. ठीक है, अब बेसिकली मैटर किन चीज़ों से बना है ये इसके अकॉर्डिंग है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना है, और पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट ये पार्टिकल्स से बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये दे आर मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम ऐसे खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, जो हम ऐसे विजिबल नहीं होते। अब पानी आपको दिखता है तो उसमें कुछ छोटे पार्टिकल्स थोड़ी ना नज़र, आपको अलग से थोड़ी ना नज़र आते हैं पानी के पार्टिकल्स, या वुड में आपको अलग से पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं कि वुड के पार्टिकल्स ऐसे अलग से दिखेंगे। तो ये पार्टिकल्स ऐसे दिखाई नहीं देते, मगर मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स जुड़े होते हैं जिससे मैटर एक जो एक ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है वो बनती है मैटर। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो हम ऐसे नहीं देख सकते, और इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल ही जुड़े जुड़े नहीं होते, कुछ थोड़ी थोड़ी स्पेस इनके बीच में होती है, और ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं अंदर। एक जो मैटर है, अगर कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, वुड
का पीस ले लिया है मान लो, तो वो मैटर है, ठीक है। उस वुड के पीस के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, क्या क्या, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि ये पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है, ये पार्टिकल्स से बना होता है। जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में काफ़ी स्पेसिंग होती है, ठीक है, उनके बीच में स्पेसिंग होती है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, देर आर मिलियंस इन नंबर्स, जिनको हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अब ये सब डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जिनसे ये समझाया गया है, ये मैटर की सारी प्रॉपर्टीज समझाई गई है। अब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो पहली एक्टिविटी जो है वो ये समझाने के लिए दिखाई गई है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए पहली एक्टिविटी बताई गई है, समझाई गई है कि कैसे मैटर, हम कैसे कह सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक आप 100 ml का बीकर ले लीजिए, ठीक है, या आप एक ग्लास ले लीजिए, घर में काफ़ी ग्लास होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक ये ले लिया ग्लास, ठीक है, एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा घेरा बना दिया, उसको ठीक से बनाते हैं। ये कंसिडर कीजिए कि ये इस तरह से, ठीक है, ये तो बकेट बन गई, थोड़ा ढंग से बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली बन गया, ठीक है। ये मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, इसको हमने आधा पानी से भरना है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ तक इसको पानी से भर दिया और हमने ये लेवल मार्क कर दी कि ये पानी से कहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर, ठीक है, डाल दीजिए। इसमें अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट और या शुगर डालेंगे, ठीक है, और इसको एक स्पून से या फिर एक रॉड से हम इसको घोल देंगे, ठीक है, नमक और पानी हम सॉरी नमक और नमक या फिर चीनी हम इसके अंदर डालेंगे और रॉड से इसको घोल देंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या इस ग्लास ऑफ वाटर में उसकी जो वाटर की लेवल है, क्या उसमें कुछ चेंज आप नोट करोगे? जब आप पानी में नमक या चीनी घोलते हो तो क्या उसकी लेवल एकदम नोटिसेबल चेंज कुछ होती है उसमें, कि आपको दिखे कि भाई इसकी लेवल इतनी थी तो वो इतनी बढ़ गई, ऐसा दिखता है? तो ऐसा इतना कोई नोटिसेबल चेंज उसमें आपको नहीं नज़र आएगा, पानी की लेवल इतनी चेंज नहीं होगी। तो क्यों चेंज हुई? हमने तो उसमें चीज़ें और डाली तो पानी की लेवल तो चेंज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो मैटर है इसमें पानी के, ये पानी तो है इसके अंदर, मगर पानी किस तरह से है अंदर, इसके छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर के जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ स्पेस होती है। तो जब आप नमक या चीनी डालते हो तो वो नमक चीनी इन स्पेसेस में भर जाती है, तो उनको अपनी जगह इन स्पेसेस में मिल जाती है। ऐसा नहीं कि उनको अलग से ऊपर एक और लेयर बनानी पड़ती है, अलग से उनको थोड़ा सा ये स्पेस लेनी पड़ती है तो चलो फिर वो उसकी पानी की लेवल बढ़ जाती है, नहीं, वो उसी स्पेस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, आपस में जो स्पेसिंग होती है उसी के अंदर वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और वो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह पानी में घुल, तो ये जो नमक और चीनी है ये पानी में घुल जाने के कारण आपको इसमें कुछ एक्चुअल स्पेस में कुछ राइज होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उन स्पेसेस के बीच में खुद को एडजस्ट कर लेंगे और वो पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं। अब अगर हम ऐसा कहेंगे कि चलो हम सॉल्ट या शुगर की जगह अगर आप सैंड ले लो, या फिर आपने वो कहानी सुनी होगी प्यासे कौवे की कहानी, वो उसमें पानी में कुछ पेबल्स डाल देता है और उससे वाटर जो है वो वाटर की लेवल ऊपर आ जाती है, पानी ऊपर चढ़ जाता है और वो पानी पी के निकल जाता है। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में जो कंकर उसने डाले
तो वो पानी के बीच जो जगह थी उसमें क्यों नहीं एडजस्ट हो गए? वो इसलिए क्योंकि जो सॉल्ट है या शुगर है ये पानी में घुल जाता है, ये डिजोल्व हो जाता है पानी में। तो ये डिजोल्व होने का मतलब क्या है कि ये इन स्पेसेस के अंदर भर जाता है और पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है, इट मिक्सेस वेल विद वाटर। तो इसलिए स्पेस में कोई चेंज, इसमें वाटर की लेवल में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, ये उसमें बिल्कुल मिक्स हो चुका होता है, उसके अंदर घुल जाता है। लेकिन जब हम कोई कंकर या हम इसके अंदर सैंड डालेंगे तो सैंड जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, वो डिजोल्वेबल नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, जब पानी इस तरह से ग्लास में हमने पानी रखा है तो यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, जब हम सैंड या वो कुछ उसके अंदर ऐसा चीज़ डालेंगे, पत्थर डालेंगे, कंकर डालेंगे छोटे छोटे या सैंड डालेंगे, तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे और नीचे अपनी वो जगह पकड़ लेंगे, ठीक है। उस वजह से पानी की जो जो ऊपर पानी है वो थोड़ा और ऊपर उसका लेवल चढ़ जाएगा, तो उसका लेवल चेंज हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो बेसिकली ये बताने का मेरा मकसद ये था कि अब क्या मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, तो हाँ वो पार्टिकल्स से बना होता है, ठीक है। इसलिए ये इससे प्रूव होता है कि जब हम उसमें पानी में हम शुगर या सॉल्ट डालते हैं तो वो उन पार्टिकल्स के स्पेस में जाके वो उसमें उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। अब सैंड जो है वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता, इसलिए वो अलग जगह पकड़ लेता है और इसलिए पानी की लेवल बढ़ती है। लेकिन जो सॉल्ट और शुगर है वो पानी के अंदर डिजोल्वेबल है और इसलिए वो उन पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग में एडजस्ट हो जाते हैं, वो उसके अंदर पूरा घुल जाते हैं, तो इसलिए पानी की लेवल में कोई नोटिसेबल चेंज हमें नहीं दिखता है, ठीक है। सो व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है, वो उन स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हमें उसमें कोई लेवल में कोई चेंज नहीं दिखता। अब अगर पार्टिकल्स से नहीं बना होता पानी, ठीक है, कंटिन्यूस होता पानी, तो फिर नमक या शुगर डालने पर भी उसकी लेवल चेंज हो जाती है फिर, क्योंकि पानी ने तो अपनी सतह पूरी बंद, मतलब पानी के ऊपर आप कुछ डाल रहे हो तो वो उसके अंदर फिर जाता ही नहीं ना, वो ऊपर सॉल्ट और शुगर की अलग लेयर बन जाती है। अगर पानी एक कंटिन्यूस फॉर्म में कुछ ऐसा होता, पार्टिकल पार्टिकल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, जैसे अब मान लो अब ग्लास के अंदर आप अब जैसे ग्लास के अंदर मान लो आपने सैंड ही डाल दिया, ठीक है, अब सैंड पड़ा है ग्लास के अंदर, ऐसे हमने रेत रखी हुई है, अब हम उसमें नमक और चीनी ऊपर डालेंगे तो वो उसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा, वो नमक और चीनी के ऊपर अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो बात क्या है एक्चुअली, इस ऐसा क्यों फ़र्क क्यों आ रहा है इसमें, ये इसलिए क्योंकि सैंड जो है, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वो अलग से ऐसे इतना वो ऊपर जब हम डालेंगे तो वो ऊपर उसकी परत एक बन जाएगी, फिर हाँ अगर उसको आप शेक करोगे तो वो उसके अंदर घुल जाएगा, उन पार्टिकल्स के साथ अंदर घुल जाएगा, लेकिन वो इस तरह से नहीं घुलेगा, वो बिल्कुल उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर ऐसे नहीं जाएगा सैंड में जैसे कि वो पानी के अंदर घुल रहा है। पानी के अंदर वो उन पर्टिकुलर जो पानी जिस एलिमेंट से बना है, पानी जिस चीज़ से बना है, उन पार्टिकल्स के अंदर वो मिक्स हो जाता है सॉल्ट और शुगर, जबकि सैंड के अंदर वो सैंड ने अपनी जगह पकड़ी होगी और उसने ऊपर सॉल्ट अपनी ऊपर अपनी परत एक बना लेगा, वो उसमें पूरा घुलेगा नहीं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स से बना होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जहाँ पे जाके जैसे शुगर है या सॉल्ट है वो उसके अंदर स्पेसिंग के स्पेसिंग में जाके जम गया और वो उसके अंदर पूरी तरह घुल गया। लेकिन जब हम रेत डालते हैं तो उसके अंदर नहीं घुलता है, तो वो इसलिए अलग से एक ऊपर उसकी अलग से सतह बन जाएगी, ठीक है। तो अब है कि ये पार्टिकल्स से तो बना होता है, लेकिन ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, बिल्कुल हमें दिखते नहीं है पार्टिकल्स जैसे। तो उसके लिए एक और एक्टिविटी आपके इसमें NCERT की बुक में दिखाई हुई है कि आप 2 या 3 क्रिस्टल ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, आप पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स लेके आप एक ग्लास ऑफ वाटर में मान लीजिए 100 मिलीलीटर का एक आपने ग्लास ले लिया, उसके अंदर बीकर के अंदर आपने डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाला और 2 से 3 क्रिस्टल्स जो हैं आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए, ठीक है। अब आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट जब पानी में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर थोड़ा पिंकिश या पर्पल जैसा हो जाता है, पिंक और पर्पल टिंट सा उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब आपने इसमें डाल दिया तो आप देखोगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा पानी का। फिर
फिर आप क्या करो कि जो आपने मिक्स किया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट और पानी, उसमें से 10 ml आप अलग निकालो एक टेस्ट ट्यूब में, एक 10 ml आप अलग निकाल लो। वो कैसा पानी होगा? वो कलर्ड पानी होगा जो मिक्स किया हुआ है। वो कलर्ड पानी आप एक फ्रेश ग्लास ले लो और उस फ्रेश ग्लास के अंदर बिल्कुल क्लियर वाटर होगा, उसके अंदर वो 10 ml मिक्स करो। जब उसके अंदर आप वो 10 ml मिक्स करोगे तो वापस उस पानी का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर वापस उस मिक्स्ड पानी में से जिसमें आपने 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन डाला था, उसमें से वापस आप 10 ml का सोल्यूशन निकालो और फिर से एक दूसरे ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डालो। ठीक है, इस तरह से आप 5 से 6 बार ऐसे करते हुए जाओ तो आप देखोगे कि क्या पानी जो है इस वाटर स्टिल कलर, क्या वो फिर भी कलर आता जाएगा उसका? बिल्कुल आता जाएगा। बेशक कलर जो है उसका जो मतलब गहराई है, यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क होगा, फिर थोड़ा कम डार्क होगा, फिर थोड़ा कम डार्क होगा, फिर थोड़ा कम डार्क होगा, मगर कलर हमेशा वो देता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि जो पार्टिकल्स मैटर के अंदर होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि जब हम उसको यहाँ पे जब हमने डाला, 2 या 3 क्रिस्टल हमने डाले तो वो पिंक कलर हो गया, फिर हमने इसमें से 10 ml का सोल्यूशन लिया तो उसके अंदर भी वो पार्टिकल्स थे जो इसमें घुले, और फिर हमने और ये बिल्कुल इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम हो गई कि उसके बावजूद भी इसमें से और 10 ml निकाल के दूसरे में डाले तो भी कलर चेंज हो रहा है। यानी कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं होते हैं मैटर के कि आप उनको कितना भी आप उनको डिवाइड करते हुए जा रहे हो फिर भी उसके अंदर और पार्टिकल्स हैं, फिर भी उसके अंदर और पार्टिकल है। ये सेम एक्टिविटी आप डिटॉल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर आप डिटॉल ले लोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो डिटॉल की स्मेल है वो चाहे आप कितनी बार डाइल्यूट करते हुए चलो उसको, फिर भी उसकी स्मेल आती जाएगी लास्ट तक। कितने भी पानी में और डालो, फिर उस सोल्यूशन को और पानी में निकालो, करते जाओ लास्ट तक उसकी जो है वो डाइल्यूशन करते जाओगे आप तो उसमें स्मेल आती जाएगी। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड ओवर इमेजिनेशन। मतलब वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल में बहुत सारे टाइनी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, जो कि अपने आप को बार बार डिवाइड करते हुए जा रहे थे और फिर भी वो अपना कलर उनका जो है वो कंटिन्यूस, बेशक कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही थी मगर कलर वो फिर भी और वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, जो है वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा था पानी का। ओके, अब अपने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे हमें क्या पता चला कि जो मैटर है वो बना होता है पार्टिकल्स से। ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, और बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मिलियंस होते हैं इन नंबर्स। और एक और चीज़ आपको क्या पता चली कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है काफ़ी, जहाँ पे जाके जैसे ये चीनी पानी जो चीनी हमने डाला उसमें या फिर हमने सॉल्ट उसके अंदर डाला तो वो उसके अंदर जाके मिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हो या कॉफ़ी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, तो इसी तरह से सेम प्रोसीजर होता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में वो चीज़ घुल जाती है और अलग से ऐसे आपको कुछ पार्टिकल्स वो नज़र नहीं आते, वो उसमें घुल जाते हैं। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया कि जो मैटर है पार्टिकल्स से बना होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जो बहुत ही मिलियंस में होते हैं और उनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं क्या ये कंटिन्यूस होते हैं, क्या ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, हमने क्योंकि ये भी पढ़ा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये हम एक और एक्सपेरिमेंट, एक और एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें क्लियरिटी होगी। अब आपको पता है आपके पास अपने देखोगे कि एसेंस स्टिक्स होती हैं, अगरबत्ती। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक अगरबत्ती है तो वो आप एक रूम में कॉर्नर पे आप उसको रख देते हो लगा के बिना उसको जलाए। ठीक है,
तो आप देखोगी आपको उसकी स्मेल जो है, उसके पास खड़े रह के आपको उसकी स्मेल आएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाओगे उससे, हल्का सा दूर जाओगे तो भी उसकी एसेंस स्टिक की जो आपको स्मेल है थोड़ी सी लगेगी कि हाँ थोड़ी सी स्मेल उसकी आ रही है। लेकिन फिर बहुत दूर अगर आप कमरे में जाके खड़े हो जाओगे बहुत ज़्यादा दूर से, तो आपको उस एसेंस स्टिक की स्मेल नहीं आएगी, जो धूप होगा या अगरबत्ती होगी बहुत दूर से उसकी स्मेल नहीं आएगी। हाँ लेकिन अब अगर आप उसको जला दोगे, ठीक है, अगर आपने वो एसेंस स्टिक जला दी, तो आप चाहे कमरे में किसी बहुत ही दूर जगह जाके भी बैठ जाओगे तो भी आपको उसकी स्मेल आएगी, ठीक है। अब जब इतनी दूर जाके बैठ के भी आपको उसकी स्मेल आ रही है, और यहाँ पे जब आप पास बैठे हो तब थोड़ी दूर तक स्मेल आ रही है, फिर दूर जा रहे हो तो जब आपने उसको जला दिया तो स्मेल आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसे ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अब अगर हमने एसेंस स्टिक यहाँ रखी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे एयर में, और एयर के थ्रू हमें, उस वजह से हमें उसकी स्मेल आ रही थी, एयर के थ्रू वो हमारे पास पहुँच रहे थे उसकी स्मेल, तो हमें इसकी स्मेल आ रही थी। इसी तरह से जब हमने उसे जला दिया तो जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जब किसी मैटर के आप उसको बर्न करते हो या उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो मैटर का, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन के कारण किसी चीज़ में आए, जैसे अगर आप कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ मोशन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है कि इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, इसीलिए जब हम एसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, इसलिए आपको कमरे के किसी दूसरे कॉर्नर में जाकर भी आपको वो अगरबत्ती की स्मेल वहाँ पर आएगी, ठीक है, कितनी भी दूर जाके आप खड़े हो जाओ। ओके, अब एक और एक्टिविटी है यहाँ पे आपके बुक में है, एक्टिविटी 1.4, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है कि आप दो बीकर्स ले लीजिए, ठीक है, दो ग्लासेस ले लीजिए, जिनमें आप एक ये रहा और ये रहा, एक में हम इसमें हमने पानी भरा है, ठीक है, इसमें पानी भरा है और इसमें भी हमने पानी भरा है। अब इसमें हम रेड या ब्लू इंक डालेंगे, इंक रेड या ब्लू इंक डालेंगे, ठीक है, एक ड्रॉप रेड या ब्लू इंक का धीरे से इसमें हम डालेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम हनी डालेंगे, ठीक है, और इन दोनों ग्लासेस को एक कॉर्नर में छोड़ देंगे, इसको हमें हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कॉर्नर में छोड़ देंगे। अब आप बताओ कि क्या होगा, जैसे ही आप इंक का ड्रॉप डालोगे तो वो पानी में यूं गिरेगा और एकदम से फैलता फैलता जाएगा और उसमें पानी में वो घुलने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और हनी क्या करेगा, जब हनी आप डालोगे तो उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा घुलने में, जब तक हनी आप उसको स्टिर नहीं करते हो अच्छे से तब तक हनी पानी में नहीं घुलता है, वो थोड़ी सी क्लियर सी बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब इंक जो है, इंक की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है और हनी जो है वो थोड़ा थिक होता है, तो ये जो है ये आराम से घुल जाएगा और इसको थोड़ा टाइम लगेगा हनी को। अब वही हम एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखाया है, क्या किया इन्होंने कि एक इन्होंने क्रिस्टल लिया है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, एक गर्म पानी वाला ग्लास है, एक इसमें गर्म पानी है, ठीक है, और दूसरे में ठंडा पानी है, ठीक है, दूसरे में हमने कोल्ड वाटर रखा है, ओके, इसमें ठंडा पानी है और इसमें गर्म पानी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम जो है क्रिस्टल्स डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के इसमें और इसमें भी, और हम उसको हिलाएंगे नहीं, हम उसको स्टर नहीं करेंगे, ठीक है, डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, ओके। तो अब हम इसको घोलेंगे नहीं, बस हमने वो डाल दिए तो वो क्रिस्टल्स आके नीचे सेटल हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जब टाइम निकलता जाएगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल के वो लिक्विड से मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन
आप ये देखोगे कि जो गर्म पानी है उसमें वो ज़्यादा जल्दी घुलेंगे और ठंडे पानी में उतनी जल्दी वो नहीं घुलेगा। तो इसी इससे हमें जब क्या कंक्लूड करते हैं कि जब टेम्परेचर हम किसी चीज़ का बढ़ा दें तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और उस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से घुल जाएंगे। लेकिन जब वो कोल्ड हैं, टेम्परेचर उनका कम है, तो उनको टाइम लगता है घुलने में। इसी तरह से अब यहाँ अगर ये गर्म पानी होगा जिसमें हम शहद डाल रहे, तो गर्म पानी में आप देखो शहद जल्दी घुलेगा, ठंडे पानी में ही जल्दी घुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मटेरियल है जो हम डाल रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और उसके टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है। तो अब इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसलिए वो ज़्यादा जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यू नीड टू रिमेंबर दैट, वो आपको याद रखना कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हमने देखा कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ में तो हमने खुद से गोला चीज़ को नमक डाला, पानी डाला पानी में, तो हमने उसको एक रॉड से उसको हमने मिक्स किया, ठीक है। अब अगर किसी केस में हमने ऐसे भी किया कि हमने बस चीज़ें उसमें डाल दी, नमक डाल दिया, इंक डाल दी, ऐसे ही छोड़ दिया हमने, हमने उसको गोला नहीं, ठीक है। तो ये जो हम करते हैं कि जब हम किसी चीज़ दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, अपने आप उनको मिक्स होने देते हैं बिना उनको गोले, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो डिफरेंट तरीके के जो मैटर हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है उनको हम अगर आपस में उनके पार्टिकल्स को घुलने दें अपने आप, तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने हनी डाल दिया पानी में और उसको छोड़ दिया ऐसे ही, जैसे हमने इंक पानी में डाल दी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम पर मैग्नेट के हमने पानी में, ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हमने उसको घोला नहीं, अपने आप ही वो घुल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो ये जो प्रोसेस था इसको डिफ्यूजन कहा जाता है कि जब हम दो पार्टिकल्स को अपने आप आपस में घुलने दें तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है, हम उसको स्टिर ना करें, उसको स्टर ना करें, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन जो है ज़्यादा जल्दी होता है। गर्म पानी में आप हनी डालोगे तो वो जल्दी घुलेगा, ठीक है, गर्म पानी में आप पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वो जल्दी घुलेगा, ठीक है, अगर हॉट वाटर होगा तो वो जल्दी घुल जाएगा, कोल्ड होगा तो उसे टाइम लगेगा। तो मतलब डिफ्यूजन जो है वो बढ़ता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन जल्दी होता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे पानी के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स अपने आप डिफ्यूज़ हो रहे हैं, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के और पानी के अपने आप घुल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है, जब अपने आप वो घुल जाए बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अब इन सारी एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो अपने आप इंटरमिक्स हो रहे थे, वो कैसे इंटरमिक्स हो पा रहे थे, क्योंकि वो उन स्पेसिस के अंदर अपने आप को सेटल कर रहे थे, तो वो अपने आप इसलिए इंटरमिक्स हो रहे थे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टडी करने के लिए हमारे पास एक और एक्टिविटी है, ठीक है। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्टडी करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है कि अब ये आप देखिए एक्टिविटी 1.6 जो दी है,
ठीक है, एक्टिविटी 1.6 आपके इसमें लिए है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये 1.6 एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या कहा गया कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, एक ग्रुप बना लीजिए आप 4 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो एक ग्रुप जो है वो अपना जो बैक और बैक से आप अपनी मतलब आप अपनी आर्म जो है वो दूसरे इंसान के बैक से लाके उसको अच्छे से पकड़ के, जैसे कमर से हम हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं वैसे उसको अच्छे से पकड़ के लॉक कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स, ठीक है। एक वो जो डांस फॉर्म होती है, ईडूमिशी डांसर्स जो होते हैं उनकी तरह खड़े हो जाइए, बिल्कुल कमर से पकड़ के घेर के इस तरह से आप एक 4 का ग्रुप बनाइए और इकट्ठे ऐसे खड़े हो जाइए। जो दूसरा ग्रुप है वो क्या करेगा, वो जस्ट हैंड्स होल्ड करेगा, हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन, ठीक है। एक ह्यूमन चेन बनाने के लिए जैसे हम रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने हाथ ऐसे हाथ एक दूसरे से पकड़ के ऐसे खड़े होके एक ये ग्रुप बना लो। और तीसरा ग्रुप आप बनाओ कि जस्ट आप टच कर रहे हो दूसरे को, ठीक है। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन विद जस्ट टचिंग फिंगर टिप्स को, आप बस एक दूसरे के फिंगर टिप्स को बस आप ऐसे टच करके थोड़ा सा एक और ग्रुप बना लो, ठीक है। अब एक और जो फोर्थ ग्रुप है वो इन तीनों ग्रुप्स के बीच में से निकलेगा, इनकी ये जो ह्यूमन चेन है ये तोड़ते हुए। अब सबसे आसानी से तो वो यहाँ तोड़ लेगा क्योंकि यहाँ तो बस जस्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आसानी से आप दो में डिवाइड कर सकते हो उसको, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर हैंड चेन भी आप तोड़ सकते हो, मगर जहाँ पे उन्होंने कमर से बिल्कुल पकड़ा हुआ है टाइट वहाँ पे आपको तोड़ने में मुश्किल होगी वो ह्यूमन चेन। जैसे एक और एक्टिविटी बताई गई है कि आप एक आयरन नेल ले लीजिए, एक कील ले लीजिए, आयरन से बना हुआ एक आयरन नेल आप ले लीजिए, ठीक है। एक आयरन नेल ले लिया आपने, एक पीस ऑफ चॉक ले लिया, ठीक है, और एक रबर बैंड ले लिया, ठीक है, एक रबर बैंड ले लिया आपने। आप रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश कीजिए, चॉक को आप क्रश कर दीजिए, ठीक है, आयरन नेल को आप हैमर से तोड़ने की कोशिश कीजिए। सबसे आसान तोड़ने में क्या रहेगा, चॉक तो एकदम से पिचक जाएगा, ठीक है, रबर बैंड को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करोगे तो वो भी टूट जाएगा, मगर ये आयरन नेल आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है। अब ये फ़र्क क्यों है इसमें, ये इसलिए क्योंकि हर एक जो मैटर है, अब ये सारी चीज़ें तो मैटर है लेकिन ये डिफरेंट तरीके से बनी है। चौक के जो पीसेस होते हैं वो इतने टाइटली पैक नहीं होते हैं इसलिए जब आप उसको क्रश करोगे वो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन एक आयरन नेल जो है उसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो तोड़ने में मुश्किल होगी। जिस तरह से हमने देखा कि जो एक फर्स्ट हमने ह्यूमन चेन फॉर्म की बैक से हाथ ला के ऐसे आर्म से पकड़ के टाइट, वो तोड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो उन्होंने टाइट एक दूसरे को पकड़ के रखा था, तो वहाँ हम नहीं तोड़ पा रहे थे। जहाँ जिस तरह से हाथ से पकड़ा हुआ है वहाँ तोड़ने में आसानी हो रही थी। तो मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है वहाँ तोड़ने में आसानी हो रही थी, और जहाँ पे उनके बीच में गैप कम है वहाँ तोड़ने में मुश्किल होती है। अब गैप कम कहाँ होगा, गैप पार्टिकल्स के बीच में कम वही होगा जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज़्यादा होगी। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी पार्टिकल्स के बीच में तो उनके बीच में गैप भी ज़्यादा होगा और इसलिए उसको तोड़ना भी आसान रहेगा। अब इसी तरह से अगर आपके पास एक टैप है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ये इस तरह से एक टैप है, ठीक है, आप इसमें से अब आप पानी गिर रहे हैं, अब आप इसकी पानी की स्ट्रीम को तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, तो टूटेगी बीच में ऐसे पानी टूटेगी मगर वो पानी उस तरफ से फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या रीज़न है कि फिर भी ये जुड़ता जाएगा, पानी को अलग ऐसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते ना, तो बीच में से आप हाथ निकाल सकते हो पानी के आसानी से, मगर वो जस्ट उस मोमेंट के लिए थोड़ा अलग होगा, फिर वो वापस स्ट्रीम जो है रिकनेक्ट हो जाएगी। तो ये सारा जो है ये क्या है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से लूजली जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो जब आप उसमें ऐसे हाथ डालोगे तो आपका हाथ आराम से उसमें से आप उसको ऐसे कर सकते हो मगर वो वापस रिकनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो आप ऐसे पानी को कट करोगे तो नीचे वाला पानी अलग चला जाएगा, ऊपर वाला पानी अलग चला जाएगा, बिल्कुल आप उसको अच्छे से तोड़ दोगे तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनको कनेक्टेड रखती है,
बीच में जो स्पेसिंग है उस वजह से आप जब बीच में से आप हाथ निकालते हो आपका हाथ उसमें से निकल जाता है, उस लेयर को कट कर लेते हैं, मगर वो वापस रिकनेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चला जो हमने ये एक्टिविटीज़ की, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के दे हैव फोर्स एक्टिंग डिफरेंटली। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ये फोर्स पार्टिकल्स को इकट्ठा रखती है। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मैटर, कौन सा मैटर हम यूज़ कर रहे हैं। मैटर जैसे पानी के केस में अलग चीज़ है, आयरन नील के केस में अलग है, चौक के केस में, काइंड ऑफ मैटर किस तरह का हम, किस तरह के टेक्सचर का, किस तरह के मटेरियल का मैटर हम यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो वेरी करती है। आगे चल के आप देखेंगे कि यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में, इसी के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है। ये अभी हमने इसकी क्लासिफिकेशन ही पढ़ी, हमने जस्ट मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि क्या क्या होती है, मैटर किससे बना होता है, मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, पार्टिकल्स में के बीच में स्पेसिंग होती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ये हमने सारी मैटर की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि मैटर की क्या कैरेक्टर, ठीक है, मैटर किन चीज़ों से बना होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने पढ़े। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है, वो एक तरह की क्लासिफिकेशन हो जाएगी मैटर की। फिर हम पढ़ेंगे कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसकी कैसे क्लासिफिकेशन की गई है, अलग अलग काइंड्स ऑफ मैटर जो हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी कैसे डिफर करती हैं, ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स की टाइप्स पढ़ेंगे अभी क्या होती है। तो उससे पहले हम जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, फोर क्वेश्चंस दिए हैं इस के बाद, वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, वहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, ओके, तो आपको बताना है कि इसमें मैटर कौन है, मैटर क्या क्या है। अब चेयर है, अब चेयर तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका मास भी है तो चेयर मैटर है, ओके। एयर, इट्स मैटर, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे बैलून में आप एग्जांपल के लिए बता सकते हो, बैलून को आप हवा से भरते हो या साइकिल टायर को हवा से भरते हो, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका वेट बढ़ जाता है, तो एयर इज मैटर। लव, ये तो एक जस्ट एक फीलिंग है, ये कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं आपको ऐसे दिखता है कि भाई जी ये पड़ा हुआ है, देखो लव रखा हुआ है इधर, या स्मेल, हेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फीलिंग्स हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए लव, स्मेल और हेट जो है दीज आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है लव, स्मेल, हेट, ये मैटर नहीं है, ओके। लव, स्मेल, हेट, ये सब जो है ये मैटर नहीं है, ठीक है, ये मैटर नहीं है, ओके। उसके बाद लिखा है एलमंड्स, एलमंड्स क्या होते हैं, बादाम, ठीक है, ये खाने वाली चीज़ है एलमंड्स, तो ये तो हम खाते हैं, ये इनका तो वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये एलमंड्स, ठीक है। थॉट हो गया सोच, सोच कोई स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करती है, वो हमें ऐसे उसको कोई वेट थोड़ी होता है, तो इसलिए थॉट जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है, थॉट जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है। देन कोल्ड, कोल्ड हो गया ठंड, ये भी एक फीलिंग है भाई, किसी को ठंड लग रही है, तो ये तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली चीज़ नहीं है, ये भी एक फीलिंग है, कोल्ड, थॉट, स्मेल, हीट, ये सब। कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जो है ये मैटर है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका वेट है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, जो हमें स्मेल आती है परफ्यूम की, ये अब स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम मैटर है क्योंकि परफ्यूम की बॉटल है, आप जैसे परफ्यूम पहन लिया तो वो मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मगर उसकी स्मेल, उसकी स्मेल तो मैटर नहीं है ना, ये तो हमें फील हो रही है उसकी स्मेल आ रही है तो ठीक है, वो थोड़ी मैटर है। हाँ, परफ्यूम एज इन परफ्यूम अगर ऐसे बोला जाएगा तो परफ्यूम मैटर है,
एलमंड मैटर है, कोल्ड ड्रिंक एयर की मैटर, मतलब स्मेल जो है परफ्यूम की, ये फील है एक हमें जो स्मेल आ रही है, स्मेल देखो जैसे हमने पहले देखा एयर लव स्मेल लिखा है, स्मेल मैटर नहीं है, तो इसी तरह से स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल चाहे किसी भी चीज़ की, स्मेल तो मैटर नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारे पास क्या आ गया कि चेयर, एयर, एलमंड्स और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, उसका आपका क्या आंसर होगा, जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर क्या होगा कि कोल्ड ड्रिंक, ओके, और सॉरी चेयर है पहले, चेयर और एयर और एलमंड्स और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये मैटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर पूछा गया है, तो ये सब मैटर है, ओके, चेयर, एयर, एलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब नेक्स्ट का आंसर हम देखेंगे क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, ठीक है। हॉट सिजलिंग फूड, अगर बिल्कुल गरम गरम खाना तैयार है, ठीक है, मान लो ये बिल्कुल गरम गरम खाना तैयार है, वाप निकल रही है इस खाने में से, जो गरम खाना होता है उसमें से आपने देखा पर स्टीम सी निकल रही होती है, वाप निकल रही होती है, ठीक है। तो गरम गरम खाने में से जो खुशबू है वो आपको बहुत दूर तक पहुँच जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है और वो बिल्कुल आपके पास ही पड़ा है, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, बिल्कुल आपके खाना जो अगर ठंडा खाना पड़ा है, अगर उसकी आपको स्मेल दिखनी, तो आपको बिल्कुल उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, तब आपको उसकी स्मेल आएगी। तो क्या रीज़न है इसका, इसका रीज़न ये है कि जब खाना ठंडा होता है तो बेशक उसके पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, मगर वो इतना ज़्यादा एनर्जी से, इतना ज़्यादा फोर्स से वो नहीं मूव कर रहे होते हैं कि वो हमें दूर तक उनकी स्मेल आ जाए, वो बहुत ही स्लो मोशन में उधर आसपास ही घूम रहे होते हैं, इसलिए जब हमें स्मेल देखना हो ठंडे खाने की तो हमें उधर बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। वेयर एज़ जब गर्म खाना है तो यानी कि उसकी उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसलिए उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं आगे, तो इसलिए हमें उसकी खुशबू ज़्यादा जल्दी आएगी और बहुत दूर तक उसकी स्मेल आएगी, गर्म खाने की खुशबू हमें दूर तक आएगी। आपने देखा होगा जैसे किचन में कुछ पक रहा होगा और आप दूसरे किसी कमरे में बैठे होंगे, तो वो उबल रहा होगा, कुछ नया कुछ सब्ज़ी बन रही है या कुछ बन रहा है तो वो उबल रही होती है, तो उसकी खुशबू आपको दूसरे रूम तक आ जाती है। मगर अगर ऐसे ठंडी सब्ज़ी पड़ी हो उधर कोने कोने में रखी हो किचन में, उसकी स्मेल आपको थोड़ी दूसरे कमरे तक आएगी, तब भी आएगी जब आप वहाँ जाके ढक्कन खोल के देखोगे, ठीक है। तो गर्म जो चीज़ है उसकी स्मेल जल्दी आती है, क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर राइज होने से वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो है उसकी स्मेल को ज़्यादा जल्दी कैरी करते हैं और दूर तक कैरी करते हैं, तो इसलिए जो है उसकी स्मेल हमें दूर तक भी आ जाती है, ओके। इसको हम लिखेंगे कैसे कि जो पार्टिकल्स हैं, राइट डांस लग गया थी, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस विद the increase they have kinetic energy which increases with the increase, ये मैंने आगे लिखा है, with the increase in temperature, so the particles of hot sizzling food
have greater kinetic energy as compared to the particles of cold food? Does the particle with greater kinetic energy move faster? Okay. Does the particles with the greater kinetic energy move faster and reach us? बनेगा इसका कि वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो द पार्टिकल्स ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड फूड. डज द पार्टिकल्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर एंड रीच अ सेवरल मीटर्स अवे. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. एक जो स्विमर होता है, ठीक है, वो स्विमिंग के दौरान बड़े ही आराम से वो पानी की लेयर को कट करते हुए जाता है. एक स्विमर पानी की लेयर को कट करते हुए जाते हैं, तो वो इतनी आसानी से पानी की लेयर को कट कैसे करता है? वो इसलिए क्योंकि पानी की जो परत होती है, जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें काफ़ी स्पेसिंग होती है. अब मान लो पानी ना होके वहाँ पे एक वुडन प्लैंक रख दो आप, और जो वो स्विमर है वो उसके ऊपर ऐसे डाइव करते हुए हाथ से उसको तोड़ने की कोशिश करे ऊपर से, तो उसका हाथ ही टूट जाएगा, क्योंकि वुडन प्लैंक के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती है, इसलिए वो उनको आसानी से कट नहीं कर पाएगा, ठीक है. लेकिन एक स्विमिंग पूल में जब एक डाइवर जो है, एक स्विमर जो है, वो उसको पानी की तह को काटते हुए अंदर जा पाता है, वो इसलिए जा पाता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेसिंग होती है. तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच दिस ऑब्जर्वेशन शोज, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच दिस ऑब्जर्वेशन शोज, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which this observation shows, which this observation shows is which this observation shows is the spacing between particles, is the spacing between the particles, that is the particles in a liquid, there is a particles in a liquid as there are particles of water have enough spacing between them, particles of water have enough spacing between them which allows the diver, which allows the diver to cut through water in a swimming pool. Okay, this is done.
as the particles of the water have enough spacing between them, which allows the diver to cut water in a swimming pool. Okay, question is, what are the characteristics of the particles of matter? ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वही है जो इस पूरे सेक्शन में हमने पढ़ा स्टार्टिंग से, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि देर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, देर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. देर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. ठीक है, पार्टिकल्स have space between them. ठीक है, ये characteristic है, have space between them. ठीक है, particles are continuously moving. Okay, particles are continuously moving. क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है, उसके बाद और पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, particles attract each other. ठीक है, particles have kinetic energy, since they are moving they have kinetic energy which increases with increase टेम्परेचर. ठीक है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बिटवीन particles decreases as the distance is from the other page being written. The strength of particles the strength of force between particles decreases between particles decreases as the distance between them increases. जितना particles एक दूसरे से दूर होते हैं, far apart होते हैं, उतनी उनकी force of attraction आपस में जो है वो कम होती है. जितना वो closely packed होते हैं, उनकी force of attraction उतनी ही बढ़ती है. The strength of force
between the particles decreases as the distance between them increases and vice versa. ओके तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स के. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए. अब इसके आगे फर्दर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. उसके बेस पे क्या क्या डिफरेंट काइंड्स होती है मैटर की वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में. आपको देखिएगा. ओके थैंक यू वेरी मच. बाय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे www.timeraise.com पे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. कुछ और आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं अपने करिकुलम से रिलेटेड, आप हमें यहाँ पूछ सकते हैं. और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे www.youtube.com पे. और अगर आपको ये वीडियो सही में हेल्पफुल लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे वीडियोस से, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए फेसबुक पे एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर. थैंक यू वेरी मच.